खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक गल बड़े चिरां तो प्रचारी जा रही है, उन्हूं समझण की कोशिश करते हैं। आपां जदों मान साहब नूं मौका मिलिया पार्लीमेंट जाण दा, ते बड़ी गल इह प्रचारी गई भी इह तां कृपान ते अड़ गया भाई, पार्लीमेंट जा के साडी गल कर सकदे सी, क्यों नहीं गए। पर इह गल तुहानूं नहीं दसी जांदी, जदों मान साहब पार्लीमेंट च जाण दा मौका मिलिया उस वेले पंजाब दे हालात की सी, ते खास करके कौम दे हालात की सी। कौम दे पिछे नसलकुशी पई सी, दरबार साहब दा अटैक पिया सी, कौम एक आम स्ट्रगल चों एक लड़ाई लड़ रही सी साडे खाड़कू सिंह, ते पंजाब सारा उस वेले आपदी पछाण नूं बचाउण खातर मैदान च उतरिया होया सी। झूठे मुकाबले बनाए गए, साडे मुंडे मारे गए, साडियां धीआं भैणां दी बेपत्ती कीती गई। असीं कादी लड़ाई लड़ रहे हां? आपदी पछाण दी, आपदी होंद दी, साडे सभ्याचार नूं बचाउण दी। ते थोड़ा लीडर जदों पार्लीमेंट च जांदा ते जे उहनूं इह कह दित्ता जांदा वी श्री साहिब छड्ड के पार्लीमेंट च वड़ जाओ, लड़ाई कौम पछाण दी लड़ रही आ, ते लीडर इह कहदे वी आह पई आ श्री साहिब मैं वड़ गया पार्लीमेंट च, फिर कहदा लीडर आ। जदों लीडर ने इह गल कही वी गुरु ने साडे ने इह गल सिखाई आ, साडे शास्त्र साडे उस तरां नाल आ वी साडी इस शरीर दा इक अंग आ, इस तों बिना नहीं साडी कोई पछाण। हुण पछाण दी लड़ाई लड़ी जांदी आ, लीडर श्री साहिब छड्ड के पार्लीमेंट च वड़ जाए ते फिर कहदा लीडर आ, ते कहदी पछाण दी लड़ाई आ। जिहड़ी गल ते जिहड़ा गुण होना चाहीदा सी, जिहड़ी गल ते सानू माण होना चाहीदा सी, इस हिंद हकूमत ने उस गल नू बना के किवें प्रचारता, ते प्रचार किहदे थाणी कराया? कामरेडां दे थाणी। कामरेड जिहड़े कम्यूनिस्ट आ, इह माउथपीस बणदे आ सरकार दे, वड्डे वड्डे लेख लिखदे आ, इस आपदे न्यूज़ पेपरां च अज तक लिखदे आ, वड्डियां वड्डियां इत्थे स्पीचां दिंदे आ, आखे ओह टूल बणदे आ सरकार दे साडे इत्थे इहो जी समझ विकसित करन लई, ते जिहड़े कोई विरोधी धिर हुंदे आ। हुण जिहड़ा गुण जिहदे ते सानूं माण होणा चाहीदा सी साडे लीडर ते, उहनूं ही औकड़ बणा के पेश करता। सो इस तरां साडे तों साडे लीडरां दी क्रेडिबिलिटी जिहड़ी उहदे भरोसे योग तक होई जांदी है। उस साडे जरनैल ने, उस लीडर ने जिहने 40 साल संघर्ष करता, 40 साल संघर्ष इस पंजाब पक्खी पॉलिटिक्स सिरजण खातर कीता, पर उहनां नूं आइसोलेट कर दित्ता जांदा, इक खुंजे च धक्क दित्ता जांदा, और बाकी जिहड़े सेंटर दे नाल मिल के चलदे आ, जिहड़ी मर्जी पार्टी होवे, बादल की पार्टी ला लो, आम आदमी पार्टी ला लो, कांग्रेस ला लो, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਮਕਾਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਿਕੜਾ ਕੇ ਖੜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹੋਂਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਂਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ। ਜੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹਸਤੀ ਬਚਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਤਾ।
जेड़े कामरेड सी जेड़ा लिबरल ग्रुप सी जेड़े बीजेपी आरएसएस वाले सी सारे ने बहुत रौला पाया जेड़े बुद्धिजीवी भी आ जिन्हें इंटलैक्चुअल कहने आपां उन्होंने भी रौला पाया भी ये लिंचिंग हो रही है लिंचिंग हो रही है फिर तो जिद्दे असी मत्सारंगड़ का सिर उत्थे लाया सी वह लिंचिंग नहीं सी जदों बाबा दीप सिंह दमदमा साहब तो बाणी लिखते लिखते 75 साल की उम्र च लकीर खंडे नाल खिच के खड़ गया सी भी हुण सिर देने पैणे आ वह लिंचिंग नहीं सी इहदा मतलब साडा सिधांत ही देग ते तेग दा दर ते आ इहनू देग ते चढ़ के आ इहनू तेग असीं जिवें मंदरां च पूजा हुंदी आ उस तरह नहीं पूजदे यही तो ब्यूटी है ना असीं कहिंदे असीं न्यारे आ साडे च न्यारापण आ न्यारापण की आ हुण कौम च न्यारापण की आ कौम आपदा धर्म इत्थे सामने जुल्म हो रहा होवे किसे धी भैण की विपत्ति हो रही होवे ते इत्थे आपां बैठे पाठ कर रहे होईए ये तो धर्म नहीं है ना तो गुरु साहब ने की सिखाया भी ये नहीं देखना भी वह हुकूमत कोई तगड़ी धिर कर रही है कि कौन कर रही है नमाण्या के हक च ते जरवाण्या के उल्ट खड़े होना उत्थे फिर साडे लई कोई जिहड़ियां जमातां या बाइनरीज नहीं रह जांदियां सो साडे सिधांत ते आपदा न्यारापण ते पछाण बचाउण की लड़ाई आ ये वह थोनू उवें ही डिफाइन करदे आ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਰਾਪਣ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਆ ਨਾ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕਤਾ 'ਚ ਹੀ ਬਿਊਟੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ समझ पैदा कर दी आ समाज च उस तरह सारे नूं चलाओगे फिर तो नहीं चलने फिर सब तो पहला खड़ा कौन हुंदा हिक डाके उह सिख खड़े हो जांदे आ किसानी संघर्ष च भी इह सिख स्पिरिट सी पिछे जदों उत्थे संतां दीआं टी-शर्टां गाने दिल्ली नूं जिवें संबोधन कीता गया दिल्ली नाल साडा रिश्ता डिफाइन होया भी दिल्ली तख्त समें समें तों साडे ते जुल्म करदा रिहा ते असीं समय समय तो जाके आपकी आवाज बुलंद करते रहे हैं जे बाबा बघेल सिंह ने खालसाई निशान साहब लाल किले ते लाया सी तां एक्टी भी संगतां ने खालसे लाल किले ते खालसाई निशान साहब लाता जा सो जिहड़ा न्यारापण है ना कौमां च इहनू सांभ के रखना ही कौमां दी होंद ही इत्थे पई हुंदी आ जदों साडा न्यारापण ही लै गए फिर तां तुहाडी कोई परिभाषा ही नहीं रह गई ना फिर साडे गुरुआं दीआं साडे सिंघ शहीदां दीआं दित्तियां कुरबानियां शहादतां उह कित्थे किहड़े खाते पैणगीआं उहनां नूं किसे किस खाते पाऊंगे जिथे एक बादशाह आनंदपुर साहब किले ते विराजमान आ ते उदू बाद चमकौर की गढ़ी ते उदू बाद माछीवाड़े का जंगल ते फिर दमदमा साहब आ सारा सफर देख लो तुसीं जे किते आपदा परिवार बचाया हुंदा ते कौम नहीं बचदी सी परिवार वारिया तो कौम बची आ ये आई नहीं टिकते मथे श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं आई नहीं मिथ सिरजे गए उत्थे वो कोई गल आ कोई कमाइया कीतियां और जेड़े ये कहिंदे आ भी गुरु नानक साहब वखरे सी दसवें पातशाह वखरे आ जदों गुरु नानक साहब ने गुरता गद्दी दूजे पातशाह नूं दित्ती ना ते आप गुरता गद्दी ते पा के मत्था टेकिया फिर गुरु साहब ने दूजे पातशाह ने कहा आप निरंकार कलातार परवरियो तो यह एक जोत है जिहड़ी दसां जामिआं तक तो फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब च साडे सामने प्रगट हुई और उस जोत ने सानू किसे अमलां ते लाया जिन्हां अमलां तो असीं आप भी दूर होए फिरदे आ मैं आप मेरे च बहुत कमियां क्यों पिछे 150 साल की गुलामी पई है साडे जदों तक असीं कुछ आवदा नहीं सिरजदे उदों तक आ मसलियां नाल नहीं नजिठिया जा सकता इस करके थोड़ी बहुत कौमीयत आपके अंदर असी ज्यौदे रखीए तो कौमीयत का संघर्ष करने वाले जरनैल सरदार सिमरजीत सिंह मान अर्गे साडे जिहड़े आगू आ इन्हां नूं असी हुण दब के हौसला अफजाई करिए इन्हां दी ते सपोर्ट देईए आपकी जे असी इस गल तो खुंझदे हाँ ना तो फिर साडी गल करन वाला कोई नहीं बचना फिर सारे दिल्ली तो ही तुरदे आ उन्हां दीआं झोलियां च जा के बहिंदे आ जिन्हें मर्जी भगवंत मान परख लिओ जिन्हें मर्जी बादल परख लिओ जिन्हें मर्जी तुसीं
कांग्रेस वाले जिहड़े भी आ उह परख लिओ। इन्होंने तो जदों कोई हवा वहनी है ना साडे सारे ने एक पासे उल्ट हो जाना। 84 वेले देख लिया आपां जदों हवा चलती है ना उह जिथे इन्होंने बहु गिनती ये सोचती है। लाल किले ते जदों खालसा ही निशान साहब चढ़ाया गया सी साडे ते थ्रैट पता की आए सी भी थोनू 84 भुला देंगे थोड़ी कौम का नहीं पता लगना। जिद्दे मोदी मुड़िया इत्थों साडी तां कोई गलती नहीं सी आप ही पुलजे तो खड़ के मुड़ गया। फिर यही गल भी थोड़ी कौम का नहीं पता लगना जे कितें मोदी नूं कुछ हो जाता भी मोदी नूं जे कुछ हो जाता असीं टीसी वाला बेर लाउण जाणदे हाँ फिर कह के लाउणे आ असीं। सो गल ये नहीं है भी मोदी नूं असीं आपदे घरे आए नूं ये कह दीए घरे आया साडे जे साडे दर ते आया तां असीं देख शिका के मुड़ांगे पर जिद्दे टीसी वाला बेर लाउणा उहदे गुरू ने पता नहीं किहड़े सिंघ तों सेवा लै लैणी आ। सो ये तो लड़ाई जमीरां दी आ जमीरां दा साथ देंगे तो कुछ एक आस बजी रह सकती है अदरवाइज ये तो गल जिथे पहुंच गई आ भी अपने घर च आ गई है लड़ाई वाकई लकीर खिंच के लड़नी पैनी है। सो इनिया कु गल्लां मैं करनिया सी मान साहब दा दब के साथ देईए ये साड़ी जमीर तो एक आवाज आउंदी है बस ये इत्थों ही पुछ लो हजे बालियां गल्लां आपां नूं समझाउण समझण दी भी जरूरत नहीं है। सो नौजवानां नूं भी बेनती है बई जी जिवें किसानी संघर्ष तुसीं तुरे सी ना उसे जज्बे नाल मान साहब दा साथ देना पऊगा क्योंकि लड़ाई मुक्की नहीं लड़ाई तां हजे शुरू ही होई है हजे तां पहला आपां पहली पलांग नहीं पट्टी। सो इस करके आउण वालियां नसलां नूं जे बचाउणा फसलां छड्ड दो फसलां तां साडे तों जदों मर्जी खोह लैण साडियां जे ना खरीदण की कर लांगे आपां अज MSP की लड़ाई लई लड़ी जाने ना MSP भी तो यही यही देणगे। सो गल जे नसलां बचदियां फसलां फुसलां सब बचा लांगे आपां। सो इन्नियां क गल्लां आपां करनियां सी जी बहुत सारा।